हेलो थ्री एंड फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग बढ़िया हो ना विजय, तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे कमेंट कर दो, वीडियो को चैनल पे कमेंट नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे कमेंट कर दो और वीडियो को अपने भंड इंसानों के पास शेयर भी कर देना ध्यान से, ठीक है। ये काम कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि है पिछला एपिसोड जो काफ़ी शानदार था और मैं मान के चलता हूँ तुम लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि अपन ने उसमें काफ़ी कुछ ट्विस्ट देखे थे यार, है ना। तो चलो पहले ट्विस्ट पर ही बात करते हैं, जो कि था कि जो यान उन लोगों को कहता है गुड बाय, लेकिन उसी टाइम पे जो बंदे होते हैं जॉन को, उनसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी सारे एल्डर हैं जिनके पास ये डेमोनिक फ्लेम है और उनसे तुम ये फ्लेम छीन सकते हो। जो देखकर जॉन कहता है हाँ ये भी ठीक है ठीक है। अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो बताते हैं जॉन को कि डेमन एरिया पर ही मिलेगी, जिसके बाद जॉन जब जाने वाला होता है तो सियावली क्या नाम था उसका, सियावली था ना, हाँ जो कुछ भी हो, तो वो जॉन को ऑफर करती है कि भाई मैं मतलब आपकी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, वो सब करने को तैयार हूँ जो आप बोलेंगे। जो देखकर जॉन कहता है नहीं यार मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोटे मोटे काम मैं नहीं करता, तो तुम आराम से अपनी लाइफ जियो, स्ट्रांग बनो और अपने क्लेम को प्रोटेक्ट करो। जो देखकर लड़की मोटिवेट हो जाती है, क्योंकि पता नहीं जॉन ऐसा क्या बोल देगा, सारी लड़की मोटिवेट हो जाती है। जब हम देखते हैं कि ये यहाँ से निकलते हैं जो यान लोग और बाकी लोग, तो इन्हें पता चलता है कि जो डेमोनिका सॉरी मॉन्स्टर आइलैंड है वो है टोंगटियान रिवर के सेंटर में, जिसके बाद डिंग्यू बनाती है एक शिप जिसमें बैठ के ये लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और टोंगटियान के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद इन्हें एक फाइट करनी पड़ती है जिसमें वो बंदों को आराम से मार देते हैं। देन ये लोग मिलते हैं गेट की तरफ, गेट में इनको अपना ब्लड सेक्रीफाइस देना पड़ता है। ब्लड सेक्रीफाइस देने के बाद ये लोग अंदर एंटर होते हैं। अंदर एंटर होने के बाद इन्होंने देखा हुआ होता है कि ऑक्सीजन स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले येलो लेवल का हुआ है, इसके बाद होगा ब्लैक लेवल का, फिर अर्थ लेवल का और फिर हेवन लेवल का। तो जॉन इंटर होता है, ऑक्सन हाउस स्टार्ट होता है, तभी जॉन कहता है ऐसा है कि भाई अपनी इतनी पिल काफ़ी नहीं है। जॉन पिल रिफाइंड करता है और उन्हें हाई कीमत में बेचने का सोचता है। पहली दो पिल 2 मिलियन में बिक गई होती है, सॉरी दो नहीं 3 मिलियन में बिक गई होती है। जो देखकर जॉन मोटिवेट होते हुए 100 पिल्स को रिफाइन करता है, जो कि 4 रैंक की थी और 2 5 रैंक की थी, जैसे जॉन दे देता है सेलिंग के लिए और आखिरकार वो इंग्रेडिएंट आ गए होते हैं सेलिंग मार्केट पर, जिसके बाद मैं एपिसोड ऐड कर देता हूँ। तो ये जो एपिसोड है जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है और अपन लोग देखते हैं कि अब जो यार कितनी कमाई करने वाला है। आखिरकार जॉन को भाई काफ़ी ज़्यादा कमाई करनी चाहिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पिल की जो रैंकिंग होती है यानी कि प्राइज, वो 1 मिलियन से स्टार्ट होता है और देखते ही देखते बोलियाँ लगना स्टार्ट हो जाती है और एक पल के भीतर 1.5 मिलियन 2 मिलियन और फिर 3 मिलियन पहुँच गई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रैंक 4 की पिल और ऊपर से उसमें भी डेमोनिक फ्लेम क्लस्टर, सभी लोगों के लिए ये पिल एक ऐसा अट्रैक्शन था जो कि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता था। साथ ही हर एक पिल को खरीदने की कीमत 3 मिलियन पर पीस थी और जॉन पहले से इससे काफ़ी सेटिस्फाइड था। साथ ही इससे भी ज़्यादा 2 5 रैंक की होली पिल भी थी, इसलिए जॉन को उम्मीद थी कि उसकी कीमत 5 मिलियन के आसपास होनी चाहिए। साथ ही औसतन 3 मिलियन यानी कि 100 पिल तो 300 मिलियन, जो कि अपने आप में एक काफ़ी डरावनी कीमत थी। और इस कीमत को सुनकर तो जॉन भी हवा में एक ठंडी सांस लेता है, क्योंकि इसके बाद उसे डिवाइन क्वीन पिल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑक्शन हाउस में इन पिल की नीलामी के बाद जॉन की संपत्ति करोड़ों तक पहुंच गई थी। यहां तक कि जॉन खुद अपने चेहरे पर एक्साइटमेंट को छिपा नहीं पा रहा था, यहां तक कि डिंगियो भी हैरान थी। साथ ही उसे भी चुपचाप आह भरनी पड़ती कि एक अल्केमिस्ट इतनी तेजी से पैसा कमा सकता है क्या, ये तो एक इंसान की पहुंच के लिए बहुत दूर की बात थी। हालांकि उसी टाइम पे जो यान और डिंगियो जो कि अपने पर्सनल रूम में चाय पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की नज़रें उनकी तरफ जाती हैं और कुछ लोग वहाँ पे आते हैं जिनके कपड़ों में डायमंड बर्ड लिखा हुआ होता है, एंसेस्टर डायमंड और कढ़ाई बनी हुई होती है एंसेस्टर डायमंड बर्ड की, जिसके बाद वो बंदे तुरंत ही कहते हैं ऐसा लगता है कांग चांग लोगों द्वारा लाई गई खबर वास्तव में सच है, यह डायमंड फ्लेम वास्तव में एक आउटर पर्सन के हाथ में पड़ गई है जो कि एक पावरफुल एल्केमिस्ट है। साथ ही डायमंड रिफाइनरी पवेलियन से पूरे ही बिल्डिंग का नज़ारा दिखता था, जहाँ पे काफ़ी सारी फिगर खड़ी हुई थी और वो वहाँ से खड़ा होकर सभी के कमरों को देख सकता था, यहाँ तक कि जो यान की भी सिचुएशन। तभी एक पर्सन कहता है कि आप पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन किस एरिया से आया है, और ये बोलने वाला पर्सन जैसे बैगनी कलर के कपड़े पहने होते हैं, साथ ही उसके भौहों पे फ्लेम का भी एक निशान बना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी आँखें पर्पल रेड होती हैं। तभी दो एल्डर तुरंत ही कहते हैं गॉड, जहाँ तक उसके कॉन्टिनेंट की रिपोर्ट की बात है उस व्यक्ति के कॉन्टिनेंट की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, और ये दोनों ही पर्सन चांग और जी होते हैं। साथ ही हमें ये पता चला है कि ये पर्सन एक फाइटिंग गॉड है जिसने डेमोनिक फ्लेम को पकड़ लिया है, साथ ही गूलिंग बर्ड ट्राइब को बचाते हुए उसने स्टार पैलेस के जियांग ताई को भी हरा दिया है, साथ ही वो भी रिस्पेक्टेडली इसके सामने ग्रीट करके गया है। जो देखकर वो एल्डर तुरंत ही कहता है जियांग ताई इसे ग्रीट करके गया है, क्योंकि क्या बात कर रहे हो तुम, किस तरीके का पावर हाउस है ये, किस चक्की का आटा खाता है और क्यों। बंदे की भाई हालत खराब हो गई होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है।
वो थोड़ी देर के लिए जॉन के कमरे की तरफ देखता है, जिसके बाद जो यान के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक और रूम की तरफ देखता है जो कि जियांग ताई का रूम था। और जियांग ताई इस टाइम पे थोड़ा सा उदास दिख रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि वो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल तरीके से घूम सकता है, लेकिन वास्तव में वो जियो यान के यहाँ तो बुरी तरीके से पेल दिया गया था। तभी जासूस कहता है जियांग ताई स्टार पैलेस का लीडर है, मतलब राजकुमार होगा, साथ ही उसकी ताकत और भी पावरफुल है। हालांकि हम केवल इतना जानते हैं कि वो एक फाइटिंग गॉड है, उसकी स्पेशल पावर के बारे में हम नहीं जान सकते। और ऐसा कहते हुए जासूस सिर नीचे की हुआ होता है। साथ ही भले ही कांग चांग और बाकी के लोगों ने जोयान और जियांग ताई के बीच की फाइट देखी हो, लेकिन जोयान बाकी के सभी लोग, लेकिन फिर भी उस फाइट को देखने के बाद भी वो जोयान के ऑरे से पूरी तरीके से कंफ्यूज थे, इसलिए वो जियांग की अभी भी स्पेशल पावर नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि दोनों ही काफी स्ट्रांग है, लेकिन फाइट जोयान जीत गया था। जो देखकर वो पंता तुरंत कहता है पूछताछ कंटिन्यू रखो और देखो कि क्या तुम उस पर्सन की स्पेशल आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हो या नहीं। अगर वो फाइव अपर रियलम से नहीं आता है तो हमें उससे डेमोनिक फ्लेम लेने का एक तरीका ढूंढना होगा। साथ ही इस पर्सन के पास एक फ्लेम है, जबकि ये रूमर है कि कुल टोटल 10 ही डेमोनिक फ्लेम है और ये 10 की 10 डेमोनिक फ्लेम हमारे मॉन्स्टर वर्ल्ड से है, इसीलिए इनमें से एक भी कम नहीं हो सकती। इस बात को एल्डर की इस बात को सुनकर उस मैसेंजर के चेहरे पर हल्का पसीना आ गया होता है क्योंकि यहाँ पे एल्डर अपने ऑरे को भी अनलिस्ट कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो एल्डर जासूस तुरंत ही कहता है हाँ और तुरंत यहाँ से चला जाता है। साथ ही उसके साथ 3 और भी लोग होते हैं, उन सभी की भौहों पर भी फ्लेम का ही निशान था, यानी कि ये तीनों एल्डर साथ ही ये चारों लोग एक साथ खड़े होते हैं। और ऐसा लग रहा था कि डेमोनिक वर्ल्ड मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर यही सबसे स्ट्रॉन्ग बैटल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी उन चारों लोगों में एक बंदा कहता है कैंगजू आप अपनी छोटी सी ब्यूटी ट्रिक को क्यों नहीं आजमाती और पता लगाती कि ये कौन है और क्या सच है और क्या नहीं। इन चारों लोगों में से एक ऑब्वियसली लड़की होती है जिसका नाम कैंगजू था। साथ ही इस लड़की ने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं और पतली सो व्हाइट फिगर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, जो कि किसी भी सिटी को तबाह करने के लिए अकेले काफी थी। हालांकि वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई होती है और ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बड़ा टाइम देकर इसे बनाया है। जो देखकर कैंगजू तुरंत ही कहती ओह तो मैं तुम्हारी तीसरी टांग उखाड़ के तुम्हें सिक्सर किंग बनाकर अपने कपड़े पहनाकर क्यों ना मेरे जैसा बना दूं, इसके बाद तुम आजमाओ यही ट्रिक तो कैसा रहेगा। कैंगजू की कोल्ड वॉइस को सुनकर वो तीनों लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन कैंगजू यहाँ कोल्ड तरीके से उसे देखती है और इग्नोर करके चली जाती है। भाई ये तो सीधा सीधा मुंह पे बोल गई। साथ ही कुछ ही दिनों बाद जोयान द्वारा रिफाइन की गई सारी पिल्स बिक गई होती है, यहाँ तक कि होली रैंक 3 के भी पिल बेच दिए गए थे और ये कीमत पहले से जोयान की उम्मीद के आगे की थी। जोयान को लगभग 300 मिलियन डिवाइन कोई पिल मिल गई होती है और ऑक्सन हाउस में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई थी और 300 मिलियन जोयान कोई पिल डिवाइन कोई पिल जोयान को पहुंचा दी गई थी। उसी टाइम पे डिग्यू भी ऑक्सन हाउस में इंग्रेडिएंट पे ध्यान दे रही थी और जैसा कि जोयान ने उम्मीद की थी 100 साउंड ऑक्सन हाउस के अंदर एक वारक्राफ्ट का हार्ट भी था जिसकी स्टार्टिंग कीमत 5 मिलियन थी। तभी डिग्यू कहती मास्टर जियो कुत्ते का खून पियो, मेरा मतलब वो हार्ट खरीद लो। डिग्यू यहाँ एक्साइटेड होती क्योंकि अगर उसे यह हार्ट मिल सकता था तो वो गॉड किलर आर्मर क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए केवल यही एक चीज थी जो कि अपसेट थी, ये हार्ट के साथ ये आर्मर एक्टिवेट हो सकता था। जो देखकर जॉन कहता है चिल छोरी चिल अपन अमीर है, इतना का ये हार्ट है उतना तुम्हें गरीबों में बांट देता हूँ, तुम छोटे से दिल की बात करती हो, ले लो खरीद लो। और जॉन 5 मिलियन के दिल को 8 मिलियन दे के खरीदता है, भाई बड़ा दिल है जॉन का। हालांकि ये मॉन्स्टर जो हार्ट था ये अल्केमिस्ट के लिए काफी रेयर था एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के तौर पर, इसीलिए अल्केमिस्ट इसके लिए काफी ज्यादा कीमत लगा रहे होते हैं और इस समय इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही होती है और ऑब्वियसली अल्केमिस्टों के पास पैसे की कभी कमी नहीं हो सकती थी, लेकिन ये जॉन जितनी तेज पैसा नहीं कमा सकते थे। और आखिरकार जब कोई अल्केमिस्ट इस लेवल तक पहुंच सकता है तो उसका बैकग्राउंड पहले ही काफी हार्ड होगा। देखते ही देखते कीमत जॉन ने 15 मिलियन तक बढ़ा दी होती है और सीधा ही 2 गुनी कर दी थी 8 से 15, जिसके बाद कोई भी कीमत नहीं लगाता। साथ ही ऑक्सन हाउस में ऑब्वियसली ऑक्सन हिडन था, इसलिए किसी को नहीं पता कि किसने बोली लगाई और कौन ले रहा है, केवल लेने देने वाले ही जान सकते थे कौन ले रहा है और कौन दे रहा है, मतलब सामान कौन ले रहा है और सामान कौन दे रहा है। ये भी ह्यूमरस हो गया, खैर छोड़ो अपन लोग कौन सा शरीफ है। ऑब्वियसली ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए था ताकि ये पता न चल सके कि क्या और किसने और क्यों खरीदा, जिससे हत्या और धोखाधड़ी बच सके। हालांकि जॉन ने जो कीमत बढ़ाई थी वो इस हार्ट की कीमत से काफी ज्यादा थी, लेकिन जॉन इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था और सक्सेसफुली इसे खरीदना चाहता था। साथ ही जॉन चाहता था कि जितना जल्दी ये चीज उसके हाथ में आ सके आ जाए, और वो आ भी गई थी। लेकिन इस बार अलग यह था कि इस बार जब हार्ट की डिलीवरी की गई थी तो ऑक्सन हाउस में डिलीवरी पर्सन अलग था, क्योंकि हर बार जो पर्सन आते थे वो नॉर्मल लग रहे थे और उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए होते हैं। लेकिन इस बार जो पर्सन आया था वो एक लड़की थी जिसने समझ गए व्हाइट कपड़े पहने हैं भाई इस लड़की ने। साथ ही इसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रिलीज हो रहा होता है।
अपने आप में इसकी एक प्रेजेंस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो लड़की तुरंत ही प्यारी आवाज में कहती है, सर यही वो हार्ट है जिस पे आपने कब्जा कर लिया है। जो देख कर जॉर्ज कहता है, ओह इतनी जल्दी कब्जा कर लिया, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। दूसरे सब लड़की के चेहरे पर कोई भी अलग इम्प्रेशन नहीं होते। तभी जॉर्ज अपनी बेज को थपथपाता है और कहता है, भाई रख दे यहाँ पे। जो देखा वो लड़की थोड़ा सा झिझकती है क्योंकि जॉर्ज ने उसके अंदर आने इतना बोलने के बाद भी उसकी तरफ देखने के लिए सिर तक नहीं उठाया था, तब तक जब तक उसने दिल वाला बॉक्स बेज पर नहीं रख दिया। जॉर्ज की अभी भी आंखें लाइट स्क्रीन पर टिकी हुई होती है और जॉर्ज अलग अलग चीजों को स्कैन कर रहा था। दूसरा डिगी तुरंत ही कदम बढ़ाकर ध्यान से उस बॉक्स को खोलकर हार्ट को चेक करती है। उसने फील किया था अभी भी दिल ने धड़कना बंद नहीं किया था और वो इसकी आवाज को सुन सकती थी, धक 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 ऑब्वियसली। तभी डिगी तुरंत ही कहती है, यंग मास्टर जियो कमाल का है, ये तो चल रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट था क्योंकि इस हार्ट का यूज करके वो गॉड किलर आर्मर की एक जोड़ी बना सकती थी। तभी जॉन भी सेला तो कहता ठीक है फिर, लेकिन अभी भी जॉन देखता कि उसके सामने दो लंबी व्हाइट टांगे रखी हुई थी। जो देखकर जॉन नीचे से ऊपर की तरफ अपनी नजरों को उठाता है तो वो लड़की अभी भी खड़ी हुई होती है और लड़की की आंखें अभी भी जॉन को देख रही होती है एक टक, और उनकी नजरें एक दूसरे से मिलती है और वो एक दूसरे को देखते हैं। और कुछ सेकंड रुकने के बाद जॉन तुरंत ही कहता है कि आप कुछ पूछना चाहती है। जो देखकर लड़की थोड़ा सा रुकती है। साथ ही जॉन का जो लहजा था यानी कि स्वर था वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो लड़की कुछ देर रुकने के बाद तुरंत ही आंसर करती है, सर वो मैं ऑक्शन हाउस की मैनेजर्स में से एक हूँ, साथ ही आप हमारे काफ़ी बड़े कस्टमर हैं इसीलिए मैं आपके लिए पूरी की पूरी प्रोसेस को संभाल सकती हूँ और सीनियर को मदद भी दे सकती हूँ अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। जो देखकर जॉन कहता ओह वास्तव में इतना अच्छा ऑफर तो कभी नहीं मिला, सही है फिर। जिसके बाद जो यार अपनी नज़र उठाकर डिग्गी की तरफ देखता है जो अभी भी दिल लेकर साइड में खड़ी हुई होती है और बस उसके साथ खेल रही होती है। लड़कियों को दिल मिल जाए लड़कियां खेलना शुरू कर देती हैं, ये आदत लग गई इनकी। तभी डिग्गी को फील होता है कि जॉन उसकी तरफ देख रहा है। जो देखकर डिग्गी तुरंत ही कहती है, यंग मास्टर जियो लाइन मार रही है आप पे, क्या आपको बचने के लिए मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ करूँ। जो देखकर जॉन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अपनी जगह पर बैठो। इसके बाद जॉन तुरंत कहता है नहीं हमें इस तरीके की कोई भी सेवा की जरूरत नहीं है जिसके बारे में आप सोच रही है, और जॉन तुरंत ही रिप्लाई करता है। दूसरे ये सुनकर डिग्गी भी तुरंत ही शर्मा गई होती है। दूसरे डिग्गी भी तुरंत ही शर्माने लगती है और शर्माते शर्माते जॉन की तरफ देखती है। दूसरे जॉन के पीछे खड़ी हुई लड़की अचानक ही अपने भोए चढ़ा लेती है। जाहिर सी बात थी कि उसकी लाइफ में कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तभी जॉन कहता मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं, तो तुम अपने घोड़े जैसे चेहरे के साथ यहाँ से जा सकती हो। और सिर उठाते हुए जॉन उस लड़की को देखता है और काफी स्ट्रिक्टली कहता है, जो सुनकर वो लड़की और डिग्गी दोनों ही चौंक गए होते हैं और लड़की का चेहरा अचानक ही सूख गया होता है। जो देखकर वो लड़की तुरंत ही कहती है क्योंकि आप मेरे आने का मोटिव जानते हैं तो मैं अब और दिखावा नहीं करूंगी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी दोनों टांगे लहराते हुए खुद ही बैठ गई होती है। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही कहती है कीमत बताओ। जो देखकर जॉन कहता है मैं धंधा नहीं करता, माना एक महीने चलता हूँ लेकिन ये काम नहीं होते मुझसे, किसी और से पूछो। जो देखकर लड़की कहती है बस कीमत बोलो। जो देखकर जॉन कहता मुझे डर है कि तुम कीमत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और ऐसा कहते हुए जॉन स्माइल करता है। जो देखकर लड़की कहती है आपको मेरा एंसेस्टर डेमन ऑक्शन हाउस की पावर देखनी चाहिए, यहाँ उतनी डिवाइन कोई पिल है जितनी आप चाहिए, सभी टाइप के रिसोर्सेज, जब तक आप मुझे बताएंगे मेरा एंसेस्टर डेमन ऑक्शन हाउस उन्हें अरेंज करने का रास्ता खोज लेगा। और ऐसा कहते हुए लड़की साफ तौर पर जॉन से बात करती है। जो देखकर जॉन कहते ओह आप इतने कैपेबल हैं तो फिर आप इसे मांगने के लिए मेरे पास क्यों आई है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप इसे खुद खोजें। और ऐसा कहते हुए जॉन भोए उठाता और लड़की अचानक ही हैरान हो जाती है और तुरंत ही कहते हैं माय लॉर्ड आप ये जानते हैं कि इसका मिलना कितना रेयर है, इसीलिए हम चाहे तलाश करें या नहीं इसका 0% चांस है कि ये कहाँ मिलेगी, साथ ही ये चीज मास्टर बर्ड की है इसीलिए हमारे मास्टर एग्री नहीं है कि वो आपको ये ले जाने दे, और मुझे डर है कि कहीं। और ऐसा कहते हुए लड़की की आगे तेज धारदार हो गई होती है। जो देखकर जॉन कहता है आप कहना चाहती है कि आपको डर है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता है ना, और जॉन उस महिला की बात को कंटिन्यू करता है। जो देखकर वो लॉयडी अपनी वॉय उठाते हुए जॉन की तरफ देखती है क्लिगेंटेड के साथ। तभी जॉन अपने मुंह को खोलकर पर्पल फ्लेम को अपेयर करता है, साथ ही पर्पल फ्लेम बिल्कुल चुपचाप जॉन के सामने खड़ी हुई होती है, न ची कर रही होती है न चू, जैसे अपने पप्पा के सामने खड़ी हो। जिसके बाद जॉन कहता है आपके पास भी वही ब्रीथ है, ऐसा लगता है कि आपके पास भी फ्लेम है, इसीलिए आप मुझे देखने दे सकती है कि क्या ये वही है। और ऐसा कहते हुए जॉन लड़की को कोल्ड तरीके से देखता है, हालांकि लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके आसपास का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया है और अगले ही पल उसकी बॉडी से डायमंड फ्लेम बाहर आ जाती है और जॉन के सामने ओबीडिएंट तरीके से खड़ी हो जाती है। साथ ही दोनों ही फ्लेम इस तरीके से लहरा रही होती है जैसे मानो इन्होंने अपने पिताजी को देख लिया हो। दूसरे एक पल के लिए तो ये देखकर वो लड़की फटकर फ्लावर हो गई होती है, भाई उसकी वो खड़े होने और कोई भी हरकत करने में क्या पवल नहीं थी। तभी इस टाइम पे जो यान कहता है इस डायमंड ऑक्शन हाउस में चार चार स्टार फाइटिंग गॉड है और आप उनमें से एक हैं,
तो आप सभी की बॉडी में एक जैसा हो रहा है, ऐसा लगता है कि आप सभी के पास ये फ्लेम है, और अगर ये फ्लेम आपकी बॉडी से हटा दी जाए तो आपकी पावर कम हो जाएगी और आप वन स्टार पार्टी गॉड पर पहुंच जाएगी। इसलिए अब चाहे आप जो कदम उठाए, जब तक आप मुझे नाराज करते हैं मैं आपको तुरंत दुनिया से गायब कर सकता हूँ। दोस्त जुआन के सामने वो लड़की जिसका चेहरा पहले गुस्से में था इस टाइम पे लाल हो गया होता है और वो सीधा ही मेज पे हथेली मारती है, साथ ही उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। लेकिन जुआन ने जो कहा था उसके कारण लड़की कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करती। उसे नहीं पता था कि जुआन ने यह कैसे किया, लेकिन जुआन ने जो कहा था वो सच था। इस फ्लेम से अलग होने के बाद उसकी ताकत वास्तव में गिर गई थी, वन स्टार फाइटिंग गॉड, इसीलिए वो हिलने की हिम्मत भी नहीं करती। साला सर्दी हो गई है तो उल्टे सीधे बट प्रोनाउंस हो रहे हैं, नाक बंद है ना, मात्रा पाई बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तभी जान कहता है क्या आप अभी भी डेमोनिक फ्लेम की फ्लेम चाहते हैं, और ऐसा कहते जान उस लड़की की तरफ देखता है। साथ ही लड़की जॉन की तब देखती वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जॉन अपने दिल में क्या सोच रहा है, लेकिन जॉन की पावर ने उसे और भी मिस्टीरियस महसूस कराया था। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन वो ऑब्वियसली इस फ्लेम को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार फ्लेम को खो देने के बाद उसकी पावर वन स्टार फाइटिंग गॉड पर आ जाएगी, और अगर एक बार उसने अपनी पावर खो दी तो वो अपना सब कुछ खो देगी जिसमें धन पोजीशन तन और मन भी शामिल है। वो लड़की तुरंत कहती सर अगर आपको कुछ भी कहना है तो बस सीधे बोलिए। उसे पता था कि अगर जॉन इस फ्लेम को उसे लौटाना चाहता है तो उसकी कुछ शर्तें होनी चाहिए। जो देखकर जॉन कहता है लड़की में दम है, होशियार हो तुम, आपने अभी कहा कि यह फ्लेम केवल 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी में ही मौजूद है, तो क्या आप जानते हैं कुल कितनी फ्लेम है, जॉन ने इत्मीनान से पूछा था। तभी वो लड़की कहती है ये र्यूमर है कि इस फ्लेम के 10 फ्लावर है, लेकिन हमारी टेरिटरी में कुल मिलाकर 5 ही है। तभी जॉन कहता है बाकी के पाँचों के बारे में कुछ पता है। जो देखकर लड़की के आंखों में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इम्प्रेशन होते हैं और वो झिझक रही होती है, और झिझकने वाले मूवमेंट को वो सीधा ही दिखाती है जिससे साफ पता चलता था कि वो इन पांच के ठिकानों को जानती थी। तभी वो लड़की कहती है आपके पास जब पहले से ही एक है तो आप अभी बाकियों की तलाश क्यों करते हैं, कोई भी एक ही टाइम पर दो डेमोनिक फ्लेम अपनी बॉडी पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही महिला थोड़ा सा भोए चढ़ाती और जुआन को रिप्लाई करती है, और ये आंसर वैसा ही था जैसा जुआन ने जवाब पूछा था। ऐसा लग रहा था ये लड़की जानबूझ कर इसे छिपा रही है। तभी जुआन कहता ओह रियली, जिसके बाद जॉन स्माइल करते अपने मुंह को खोलता है और दोनों की दोनों डेमोनिक फ्लेम जॉन की बॉडी के अंदर चली गई होती है और जॉन की आंखें पर्पल हो जाती है। जो देखकर लड़की हैरान होती है और अपने कान बंद कर लेती कि अब होगा ब्लास्ट, पूछो घंटा कुछ नहीं होता। उल्टा जॉन एक डकार और मारता है, जिसके बाद जॉन कहते यार ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था, यह तो आसानी से अचम हो गई। दूसरी लड़की होठों को काटते हुए काफी स्ट्रिक्टली जॉन को देख रही होती है, और एक पल के लिए झिझकने के बाद वो तुरंत कहती है बाकी के पांच फ्लावर्स के बारे में मुझे कुछ पता है, हालांकि सीनियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो उन पांच फ्लेमों को पा सकते हैं। साथ ही लड़की के जो वर्ड थे वो काफी कमिटेड थे, ऐसा लग रहा था कि अगर वो जॉन को बता भी देती तो भी जॉन जाने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर जाएगा भी तो उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो देखकर जॉन कहता मैं इसे पा सकता हूँ या नहीं ये मेरा मौका है, मुझे बस आपको अभी इतना ही बताना है कि आपको मुझे बताना चाहिए कि ये कहाँ पर है। साथ ही जॉन सीरियसली इस लड़की को देख रहा होता है, और जॉन की बॉडी से निकलने वाले ऑरे को फील करके लड़की थोड़ा सा हैरान हो गई थी। वो जानती थी कि अब वो इसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने हिचकिचाहट की तो जॉन डायरेक्टली उसकी सोल को ही चेक करेगा जिससे उसकी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। वो तुरंत ही कहता है भगवान मतलब गॉड, मुझे नहीं पता कि 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी में एक ग्रेट इमॉर्टल था जिसका नाम था टेन टू। ए भाई मेरे को इसका नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका नाम था टट्टू, भाड़ में जाओ, ऐसा नाम ही कह रखा है जो हम बोल ही नहीं पा रहे, हम टट्टू कहेंगे इसे। तभी जॉन कहता है हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली जॉन भी इस नाम से अनफेमिलियर नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली ये एक अजीब नाम था और जॉन ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता था। लेकिन जब जॉन इमॉर्टल वर्ड सुनता है तो थोड़ा सा चौंक गया होता है, क्योंकि अगर वो पांच फ्लेम वास्तव में एक इमॉर्टल के हाथ में थी तो शायद उसके पास अभी भी ताकत नहीं थी उन्हें लेने की। तभी वो कहता है मतलब लड़की कहती है र्यूमर है कि डेमोनिक फ्लेम एक एंशिएंट मिस्टीरियस थिंग है जो दुनिया की ओरिजिन थिंग्स में से एक है, जो कि एक पावरफुल डेमोनिक फ्लेम है जैसे मॉन्स्टर वर्ल्ड में हमारे एंसेस्टर्स ने हासिल किया था। लेकिन बहुत टाइम पहले एक चौंकाने वाली घटना हुई और बाद में हुई कुछ लड़ाई जिसमें हमारे एंसेस्टर्स की हुई डेथ, जिसके बाद यह डेमोनिक फ्लेम सोल के साथ अपने होम टाउन लौट गई जो कि 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी थी। एंसेस्टर टट्टू की मौत के बाद यह सिर्फ एक लोअर रियलम है, जबकि 10,000 मॉन्स्टर वर्ल्ड का रियल वर्ल्ड है, उसके रिसोर्सेज तो आसमान छू रहे हैं। और एंसेस्टर की डेथ से ट्रांसफॉर्म 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी काफ़ी स्पीड से ग्रो हुई और एक बार को तो अपर रियलम में एंटर कर गई, लेकिन ये एक ऐसी वृद्धि थी। और ऐसा कहते हो वो लड़की जो यार की तरफ देखती है, तभी जोआर उसे रोक देता है और जोआर तुरंत कहता है कि आप कुछ टाइम के लिए रुक सकती हैं, और जोआर अपनी आँखें सिकोड़ते उस लड़की को घूरने लगता है। ऐसा लग रहा था ये लड़की जिस बारे में बात करी वो टॉपिक कुछ हटकर था। तभी जोआर कहता मुझे लंबी कहानी नहीं, इसे शॉर्ट करके बताओ कि आखिरकार मुझे ये फ्लेम कहाँ मिलेगी, आपके एंसेस्टर कहाँ मरे थे
उनकी बॉडी में मौजूद है या कहीं और? ये टट्टू के बारे में मुझे नहीं जानना। तभी वो कहती, सर मैं छोटा करती हूँ, ये एक लंबी कहानी है। हालांकि एंसेस्टर भी शायद इस डेमोनिक फ्लेम से डरते थे और इस डिजास्टर से बचने के लिए उन्होंने इस फ्लेम को सील कर दिया, लेकिन टाइम बीतने के साथ डेमोनिक फ्लेम्स सील तोड़कर भाग गई। फिर तो दर्द हुआ होगा। अबे भाई, इतने मेहनत से सील की गई थी फ्लेमें, नुकसान हो गया ना इन लोगों का। पांच पांच वो भी डेमोनिक फ्लेम भाग गई है। एक भी भाग जाए तो देख लो, एक ठो छुड़ा ली जाने उसको दर्द हो रहा है, तो पांच पांच भागी है। मैं मेरा कहने का ये वाला मतलब था। साथ ही वो तुरंत कहती, पांच फ्लेमें जो बच गई थी वो आपके हाथ में है और लकीली हमारे हाथ में। साथ ही ये फ्लेमें अलग अलग हो गई थी और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब ये 10 फ्लेम एक साथ फ्यूज हो जाएगी तो ये पूरी दुनिया को पिघला सकती है। तभी जर्वी कहता, ओह तो इसका मतलब है अभी मैं बारूद इकट्ठा कर रहा हूँ, इस बारूद को इकट्ठा करके बॉम्ब बनाना है, तभी एक्सप्लोज होगा और ब्लास्ट होगा। जब तुरंत ही मेरे पॉइंट समझ गया होता है। तभी लड़की भी अपना सेल आते हुए कहते, बिल्कुल सर, एक इमॉर्टल की डेथ आखिरकार समंदर में एक व्हेल के गिरने जैसी है, और ऑब्वियसली वो समंदर के अंदर एक नया वर्ल्ड बन जाएगी। वैसे ही इमॉर्टल के बनने के बाद वो एक अलग दुनिया बन गई है। उनकी डेथ के बाद मॉन्स्टर वर्ल्ड का ओरिजिन काफी स्पीड से हुआ और उनके रिच रिसोर्सेज के कारण। तभी यार कहता, मैं भी थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, कैसा हो सकता है इमॉर्टल की डेथ के बाद ही आप में से कुछ 4-स्टार फाइटिंग गॉड प्रोड्यूस हुए हो? ऐसा कहते हुए जर भय उठाता है, क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर ये कहा जाना चाहिए कि 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी में कोई भी टैलेंटेड पर्सन नहीं था। तभी लड़की भी हेल्पलेस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी डेथ के बाद काफी स्पीड से 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी का ओरिजिन होता है और फाइटिंग गॉड काफी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग गॉड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो मॉर्टल की दहलीज पर पहुंच गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी का ओरिजिन काफी फास्ट था, लेकिन उन्होंने फाइटिंग गॉड एलायंस को नाराज कर दिया या फाइटिंग गॉड एलायंस इससे नाराज हो गया और ये कहकर कि बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया और 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी का सफाया कर दिया और सभी लोगों को जिनकी पावर 5-स्टार फाइटिंग गॉड के ऊपर थी। जो सुनते हुए तो जान के होश उड़ गए होते हैं कि क्या जिंतियान भी इतना चिंदी चोर है? सच में बहुत बड़ा माखन चोर है साला। तभी जान कहता, अगर ये सच है तो फिर तो फाइटिंग गॉड एलायंस पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुका है। और जो और काफी हैरान होते हैं कि जिंतियान भाई ने पहले से ही फाइटिंग गॉड एलायंस का यूज करते हुए दुनिया से काफी सारे पावरफुल लोगों का सफाया कर दिया। जो तुरंत ही कहता, जिंतियान भाई तुम आखिरकार ऐसा क्यों करते हो? जॉन ऐसा कहते हुए ये सोच रहा होता है कि फाइटिंग गॉड एलायंस के पास कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है और अगर कभी हो भी तो भी फाइटिंग गॉड एलायंस को भरना लोगों को भरना उसके लिए कम नहीं था और क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि वो चाहते ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग लोग इस जगह पर बढ़ सके और अगर सीरियस होकर कहा जाए तो शायद वो नहीं चाहते कि सेलेक्सी वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग हो। जो देखकर जो कहता है ऐसा लगता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और अगर इस दुनिया में जिंतियान भाई जैसे और लोग रहे तो मुझे लगता है कि ग्रेट वर्ल्ड की तरह पावरफुल लोगों के बजाय अंदर के लोगों से ही ये जगह डिस्ट्रॉ हो जाएगी। साथ ही मेरे अकॉर्डिंग जिंतियान भाई का टारगेट सेलेक्सी वर्ल्ड को दबाना है, जिसका मतलब है कि जिंतियान भाई सेलेक्सी वर्ल्ड से नहीं बल्कि सेलेक्सी वर्ल्ड पर अटैक करने के लिए पहले से भेजे गए स्ट्रॉन्ग पर्सन जैसा होना चाहिए। साथ ही अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि सेलेक्सी वर्ल्ड में जिंतियान भाई अकेला नहीं था बल्कि ओरिजिन गॉड के क्लोन को गायब करने वाला पर्सन। क्या वो जिंतियान भाई के पीछे की पावर हो सकती है? या फिर शायद ओरिजिन गॉड का क्लोन गायब नहीं हुआ बल्कि सेलेक्सी वर्ल्ड एक इमॉर्टल पर्सन को ओरिजिन को इजाजत नहीं देती, जिंतियान भाई ही बस केवल एक अपवाद है। हालांकि ये सब कुछ जो यान के ही अंदाजे थे और अगर आप डिवाइन पनिशमेंट लैंड में नहीं गए तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ग्रेट वर्ल्ड की जो हालत हुई थी जिनगायान को विश्वास था कि एक ना एक दिन ऑब्वियसली सेलेक्सी वर्ल्ड पे भी अटैक होगा। इसीलिए पास्ट की चीज़ों से हमेशा सीखना चाहिए और जान वो हालत अपने इस वर्ल्ड की होते हुए नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद जॉन तुरंत कहता, वो जगह कहाँ पर है जहाँ आपके एंसेस्टर टट्टू गिरे थे? साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिसके बाद जॉन ज़्यादा चीज़ें बातचीत नहीं करता। साथ ही इस टाइम पे ये पहली बार जब वो 10,000 बर्ड के अंदर इंटर हुआ था तब उसने ड्रैगन स्पिरिट कॉइन का यूज़ किया था और कुछ लोगों का उसका पीछा करते हुए देखा था, जिससे जॉन ने अंदाजा लगाया था कि पूरे के पूरे 10,000 बर्ड के लोग ही 10,000 मॉन्स्टर बर्ड के लोग ही फाइटिंग गॉड एलायंस से हड्डियों तक नफरत करते हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि 10,000 मॉन्स्टर टेरिटरी अकेली नहीं है बल्कि फाइटिंग गॉड एलायंस ने ऐसे काफ़ी सारे काम किए होंगे और सेलेक्सी वर्ल्ड में अनगिनत पावरफुल लोगों का सफाया किया होगा, जिसके लिए जॉन को थोड़ा सा खेद महसूस होता है। हालांकि अगर अभी जॉन के पास ओरिजिन गॉड का क्लोन होता तो उसकी प्रेजेंट टाइम की पावर जो यान के लिए फाइटिंग गॉड एलायंस में रक्तपात करने के लिए कैपेबल होती, लेकिन सेलेक्सी वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली पावर के साथ उससे अपने पास ले लाया गया था और जेन क्लेन फाइटिंग गॉड एलायंस को लीड करता है, इसलिए ऑब्वियसली उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तभी वो लड़की कहती, 10,000 डेमन हिडन ग्रेवयार्ड जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, साथ ही इसके ओपन होने का अपना एक टाइम है और ये एक स्पेशल टाइम है, इसमें कभी भी इंटर नहीं किया जा सकता, साथ ही वो बेहद खतरनाक है, साथ ही हमने भी इसके डीप एरिया में कभी इंटर नहीं किया। जो देखकर जॉन कहता, आपने जो कहा उससे पता चलता है कि आप कई बार वहाँ गई हैं। और ऐसा कहते हुए जॉन थोड़ा सा लड़की को गौर से देखता है
सत्य उस लड़की को उम्मीद नहीं थी कि जोयान के थॉट इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। उसके वर्ड्स ऑब्वियस उसकी हर एक मूवमेंट को देख रहे होते हैं जो वो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब जोयान ने पहले ही पूछ लिया था इसका कोई मतलब भी नहीं था। अगर वो जानबूझ कर इसे छिपाएगी तो ऑब्वियसली जोयान नाराज होगा, इसलिए वो तुरंत ही हाँ में से हिला देती है। तभी जोयान कहता है क्योंकि आप कई बार जा चुकी है तो इसलिए आपको वहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप उस इलाके से फैमिलियर भी होनी चाहिए क्योंकि आप हर बार वहाँ से बच कर आई। शायद आपकी बॉडी की डेमोनिक फ्लेम इसकी की है, जो देखकर तो लड़की की आंखें और भी ज़्यादा हैरान होती हैं और वो जोयान को शौक होते हुए देख रही होती है, जिससे जोयान को पता चलता है कि उसका जो अंदाजा था वो एकदम सही है। इतना कहने के बाद जोयान अपने हाथ को लहराते हुए उसकी डेमोनिक फ्लेम उसे लौटा देता है और अपनी फ्लेम को पाकर लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी बार वापस से फोर स्टार फाइटिंग गॉड तक पहुँच गई होती है। उस लड़की को वास्तव में भरोसा नहीं था कि जोयान उसकी फ्लेम को उसे वापस लौटा देगा, भले ही वो जोयान को झोंक कर ग्रीड ही क्यों ना कर ले। तभी जोयान कहता है नीचे जाओ और बाकी के तीन लोगों को मेरे साथ 10,000 मॉन्स्टर हिडन ग्रेवयार्ड के पास जाने के लिए कहो। दोस्तों जिसने वो फ्लेम वापस पाई थी वो लड़की हैरानगी के साथ जोयान की तब देखते और उसके चेहरे पर हल्का सा डर होता है। वो तुरंत ही कहती है सर हमने केवल उस जगह के बॉर्डर को छुआ है, हमने एंसेस्टर टट्टू को नहीं देखा है, यहाँ तक कि हम चारों वहाँ लगभग मार दिए गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे हैं सर। लड़की यहाँ पे फुल जोयान को बता रही होती है कि खतरे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। साथ ही वो तुरंत ही कहती है साथ ही इसमें इट्टा होने का जो चांस है वो मिलने में लगभग 500 साल लगेंगे। तभी जोयान कहता है पिछली बार से कितना टाइम हो गया, जो देखकर लड़की थोड़ा सा भौंय सिकोड़ती है और याद करने लगती है। सत्य ऑब्वियसली जोयान नज़र में देख सकता था कि लड़की झूठ बोल रही है सच। तभी वो लड़की कहती है 450 साल, इसीलिए हमें उसमें इट्टा होने के लिए 50 साल और वेट करना होगा। जो देखकर जोयान उस लड़की की तरफ देखता है और ऑब्वियसली जोयान ने देखा था इस लड़की ने कुछ भी उससे छिपाने की हिम्मत नहीं की थी। जो देखकर जोयान कहता है ओह 50 साल ठीक है, चिंता मत करो और तैयारी करो, ऑक्सन हाउस का एंड होने के बाद हमें वहाँ जाने में देर नहीं होगी। साथ ही मुझे आपको याद दिलाना होगा कि बाकी के तीन लोगों को यहाँ से ना भागने के लिए कहें वरना डैम एंड फ्लेम छुड़ा लेगा मैं। हालांकि जोयान ने शांति से कहा था क्योंकि जोयान इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि वो जगह जहाँ पर हार्ट ऑफ फ्लेम मौजूद है वो खतरनाक ना हो। दूसरा वो लड़की अपने होठों को काटती, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जोयान वास्तव में उन्हें धमकी देगा, ये बर्ड सीधा सीधा उसे डरा रहे थे, लेकिन उसे पता था कि जोयान वास्तव में ऐसा कर भी सकता है, इसलिए वो इस बात को काटने की हिम्मत नहीं करती और केवल सिर हिलाती है और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। हालांकि इन चार लोगों को अपने साथ ले जाने के जोयान का अपना रीज़न था क्योंकि ये चार लोग वहाँ पर रहे थे और वो वहाँ की सिचुएशन को बेहतर जानते थे, इसलिए वे खुद वहाँ पर वास्तव में पहुँच सकते थे और जोयान को भी पहुँचा सकते थे। और अगर वास्तव में इन चार लोगों ने कोई भी चालाकी की है यहाँ से जोयान को गलत इन्फॉर्मेशन दी तो जोयान उनकी बॉडी की फ्लेम को उनसे ले सकता था। हालांकि उनके लिए गलत हो सकता था लेकिन जोयान को स्ट्रॉन्ग बनना था क्योंकि वो जिस मिशन पे काम कर रहा था वो दूसरों के अन्याय के तुलना में काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। हालांकि कम से कम जोयान का उन्हें नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अपनी अगली जर्नी की जो प्रॉब्लम्स है और खतरे हैं उन्हें कम करना चाहता था। साथ ही जानने के बाद कि 10 कम्प्लीट डेमोनिक फ्लेम ओरिजिन में है, जोयान को थोड़ा सा आराम फील होता है। कम से कम उसने इस बार इसे नहीं छोड़ा और सक्सेसफुली हार्ट ऑफ फ्लेम को पा लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या बाकी की 9 वो सक्सेसफुली पा सकता है। तब जोयान कहता है क्योंकि ये नाइन्थ नंबर पर है, आप दोनों के लिए इसे सप्रेस करना कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, आप लोग तो बड़ी आसानी से इसे रिजॉल्व कर सकती हैं। और भाई इटर्नल फायर से जोयान बातचीत करते हुए काफ़ी उम्मीद से देखता है क्योंकि उन्होंने देखा था कि उन्होंने डेमोनिक फ्लेम को दबा दिया था, जो देखकर बायर्न कहती है ओए चूतिया मास्टर और रैंकिंग हमने नहीं बनाई है, रैंकिंग तुम लोगों ने बनाई है, हमें इस काम में बिल्कुल मत घटीटो घसीटो पिट विट जाएंगे हम लोग तो फिर बैठे रही हो, हमें नहीं पता रैंकिंग कौन सी है, ये तो आप लोगों ने बताया ना कि ये इस रैंक पे है, मैंने वो वाला रैंक आपको बताया है और ये 9th रैंक पे इसलिए रखी गई है क्योंकि ऐसा कोई पर्सन मिला ही नहीं जो इसे कैरी कर सके, कोई आज तक इसे काबू ही नहीं कर पाया, इसीलिए इसे शायद फर्स्ट रैंक पे रखा जाना चाहिए था, किसी चूतिए ने 9th रैंक पे रख दिया। आप कह रहे हो हम लोग दबाए, आप में दबे आप दबा लो, इतनी सदियां बीत गई कोई नहीं दबा पाया, हमसे ना हो पाएगा। तभी इटर्नल फायर कहती है वो मास्टर ऐसा है कि मैंने इसे पहले देखा है, ऐसा लगता है कि ये पपेट्स को कंट्रोल करने में कैपेबल है, ऐसा लगता है ये लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है ना, जो यार कन्फ्यूजन में पूछता है। जो देखकर भाई यार कहती है ओए मास्टर ना, इसीलिए मैं तेरे को बेवकूफ बोल रही हूँ, ये इससे भी मुश्किल है, जो ये डेमोनिक फ्लेम है ना इसका जो रियल टैलेंट है वो है कि ये हर एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ऐसा लग रहा था कि इटर्नल फायर भी काफ़ी क्यूरियस तरीके से इसके बारे में जानना चाहती है। तभी जान कहता सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, मतलब क्या, जो देखकर भाई यार कहती है इटर्नल फायर कहती है मास्टर उसके कहने का मतलब है ये हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, साथ ही अगर हमारे पास इसकी ब्लेसिंग है तो हमारी हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बॉडी पावर रिसोर्सेस अटैक स्किल बैटल
हालांकि इसका भी अपना एक टाइम है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। साथ ही इस फ्लेम की कोई रियल बॉडी नहीं है, ये केवल 10 कंप्लीट फ्लावर है। साथ ही ये एक फ्लेम हार्ट भी है जो सुनकर जो चौंक जाता है। तभी इस फ्लेम को खोने के बाद उस लड़की की पावर में गिरावट आई थी, जिसका मतलब कि डायमंड फ्लेम ने उसकी पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिससे वो 4-स्टार फाइटिंग गॉड तक पहुंच गई। तभी टनल पर कहती, मास्टर वो जो छोरी है ना, दिन के टाइम पे ही गुंडा बन सकती है, रात के टाइम पे उसकी पावर 1-स्टार पे ही आ जाएगी, क्योंकि डेमोनिक फ्लेम भी इस स्ट्रेंथ को बहुत लिमिटेड टाइम तक ही कैरी कर सकती है। जो देखा जोर कहता, ओह ऐसी स्ट्रेंथ रखना तो अपने आप में वास्तव में काफी खतरनाक चीज है, ऐसी फ्लेम को 9th रैंक पर रखना थोड़ा सा गलत लगता है। लेकिन जोर अब इस फ्लेम को पाने के लिए और भी ज्यादा कमिटेड हो गया था, जो देखकर जोन तुरंत कहता है, लेकिन इस फ्लेम को पा लेने के बाद पावर का मामला सॉल्व हो जाएगा, ये फ्लेम मिल जाए फिर मजे ही मजे। वैसे भी कल्टीवेशन का लॉन्ग प्रोसेस मुझे फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत बोरिंग होता है। हालांकि जोन का कल्टीवेशन पहले से ही बहुत फास्ट था, लेकिन जोन को और भी फास्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तभी जोन कहता है, हालांकि अगर उस लड़की ने जो कहा हम उसे फॉलो करते भी हैं, तो भी मुझे डर है कि टट्टू एंसेस्टर अगर अभी भी जिंदा है और इस फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो हमको बाहर नहीं निकलने देगा, पेल देगा। लेकिन अगर वो नहीं है और वहाँ पे हमें 5 फ्लेमें मिल गई, तो ये भी एक अच्छा चांस है, क्योंकि एक बार अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो ये फ्लेम हो सकता है दोबारा ना मिले, इसलिए क्योंकि अब मेरे पास चांस है, हम इसे चूक नहीं सकते। ऐसा कहते यार की आंखों में एक कमिटमेंट होती है। हालांकि यार को पता था कि आसान नहीं होगा, लेकिन टनल फायर और भाई अगर दोनों ही मदद करती है तो सक्सेस होने के रेट को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता था, जिसके वजह कहता अभी भी पूरे 50 साल है, चलो तैयारी करने के लिए पर्याप्त टाइम है। 10,000 मोस्टर हिडन ग्रेवयार्ड तक जाने के लिए ये कोई मिस्टेरियस जगह नहीं है, मुझे डर है कि वहाँ पे काफी सारे लोग जाएंगे। आखिरकार मॉन्स्टर फ्लेम इतनी ज्यादा पॉपुलर है और हर कोई इसे पाना चाहेगा, क्योंकि जब तक आपको ये फ्लेम मिलती है आप फाइटिंग गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए यार काफी चिल होता है कि अब तो पता चल गया। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड भी यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमें भी पता चल गया। तो अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे कि क्या जो पता चला है उसका यूज कर पाता है जो यार या नहीं। बाय बाय फैमिली, गुड नाइट।